ऑलराइट सर गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक लॉन्ग राइड का मैंने प्लान करके रखा था। मतलब ऐसे हो रहा था कि बस नॉर्मल ही राइड्स हो रहे थे हमारे, जैसे कि लोनावाला हो गया ये सब, मगर अभी एक लॉन्ग राइड चाहिए। एटलीस्ट 200 प्लस किलोमीटर चाहिए मेरे को लॉन्ग राइड करने के लिए। और बहुत दिनों के बाद हमारी फ्यूरी, मतलब मेरे को जितना याद आया गुजरात के बाद मैं सीधा अभी को एक लॉन्ग राइड कर रहा हूँ, वो भी 200 किलोमीटर, ये ज़्यादा नहीं, 250 किलोमीटर वन साइड रहेगा, मतलब ओवरऑल 450 किलोमीटर बैठ जाएगा वो। तो आज वही राइड पे जाने वाले, मज़ा आएगी, सब सब सेट है, नई नई चीज़ें लिया हो अभी। देखो वैसे मैं सोचा नहीं था इसको लूँगा, अभी तो स्टिकरिंग भी नहीं निकालो इसका। चलो इसका उद्घाटन कर देते हैं। फुल स्मोक वाइजर अभी तो अच्छा दिख रहा है, मगर रात में देखते हैं क्या करते हैं। बाकी सब सामान हो गया, चेन को ल्यूप करके 2 मिनट के लिए रख दिया वैसे ही। बाइक अभी को स्टार्ट करके रखा था मैंने, बाइक का भी हो जाएगा। लगेज हो गया है सब, इस बार ऐसा लग रहा है कि लगेज थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है मेरे को मेरी। बाकी सब सॉर्टेड, फ्यूल तो वैसे है, मगर अभी जाके मैं सोच रहा हूँ अभी से टॉपअप करा के निकल जाऊँ, क्योंकि एक बार बाइक फुल होगी तो कुछ टेंशन नहीं रहेगा। बाकी ये हमारा नया टायर, फुल सुपर बाइक वाला वाइब दे रही है। तो अभी सब सॉर्टेड है, मैं बस सोच रहा हूँ अभी और क्या क्या करना, बाकी एक बार सब चेक कर रहा हूँ कि अब दिमाग में हार और कुछ बाकी है क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सब हो गया है। तो बस अभी यहाँ से निकलते, टाइम अराउंड 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 6 बज गया। तो अभी यहाँ से निकलूँगा तो मेरे को लिटरली लगेगा 5 घंटा शायद, मगर देखते हैं हम कितना देर स्ट्रेच कर पाएंगे। तो चलो ज़्यादा लंबा नहीं करते, अपने को फटाफट राइड पर ले चलते हैं। चलो पहले बाइक को फ्यूल कराता हूँ यहाँ पे जाके, फिर उसके बाद आगे का जुगाड़, क्योंकि जुगाड़ अभी तक सही से नहीं अप्लाई हुआ है, उसको फिर से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मेरे को, तो उसको सेट कर ही लेता हूँ। क्योंकि ये जो कैमरा एंगल आपको मिल रहा है ना, ये मेरे को ऐसा एंगल है और मेरे को ऐसा करके चलाना पड़ रहा है, तो पहले ये जुगाड़ को सही करता हूँ। ऑलराइट सो चलो फाइनली बाइक हमारी टॉप अप हो चुकी है, अभी निकल चुके हैं। और ये एक जुगाड़, ये जो कैमरा है ना, अरे मेरा माउंट, मैं किसी के, मतलब लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे ना, तो मेरे दोस्त के पास मेरा माउंट चला गया। आज लिटरली मैं इतना अलग जुगाड़ करके चल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं राइड पर तो निकल गया और अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है मेरा माउंट उसके पास है। मतलब स्टार्ट ही देखो हमारा क्या सही हो रहा है मगर कोई नहीं, एक जुगाड़ किया हो एटलीस्ट मोटो ब्लॉग देखने तो मिल जाएगा आपको, इतना तो कन्फर्म बोला। क्योंकि अभी इतना दूर का राइड ले रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद ले रहा, तो ऑब्वियसली बात है ब्लॉगिंग तो हम करेंगे। और ब्लॉगिंग अगर गोप्रो का, अगर चलो माउंट नहीं है हमारे पास तो कुछ इशू नहीं, हमारे पास दिमाग है, वी आर इंडियंस, हम हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। बट ये जुगाड़ है बस पहुँचने तक साथ दे दे सो आज मैं जा कर रहा हूँ सबसे मेन सवाल, तो ये तो आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल देख के, बट जो लोग को थंबनेल से नहीं से चेक किए रहेंगे, तो अभी मैं बता रहा हूँ हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इसके लिए क्योंकि अभी इधर बहुत, मुंबई में बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और हिल स्टेशन की ज़रूरत है। आई नो उधर भी इतना नहीं रहेगा, बट हाँ वो हिल स्टेशन है, थोड़ा डेली रूटीन से एक चेंज मिल जाएगा। और ये जो फ्यूरी थी इसको गुजरात के बाद मैं आज चला रहा हूँ यार लॉन्ग राइड के लिए, बहुत मिस कर रहा था लॉन्ग राइड, तो बोले ना क्रेविंग्स आ रही थी लॉन्ग राइड के लिए कि अभी जाना है जाना है जाना है। तो हो गया प्लान, छुट्टियाँ मिल गई, बस प्लान बन गया, निकल गए, आज मज़ा आएगी लॉन्ग। बोले पूरा महाबलेश्वर एक्सप्लोर करेंगे, जो भी वहाँ के फेमस प्लेसेस है जो भी रहेगा पूरा एक्सप्लोर करना है, पूरे तैयारी के साथ निकला हूँ इस बार के, इस बार कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गया था तो हम लोग गए थे रोड ट्रिप के हिसाब से गए थे, बाइक राइड नहीं किए थे हम लोग ने, बट मैं सोच रहा हूँ कि इस पर बाइक राइड करना ज़रूरी है, क्योंकि एक और प्लेस हमारे बाइक के ऊपर कवर हो जाएगा, तो उसके लिए ही आज जा रहा हूँ। चलो अभी थोड़ा सिटी से बाहर आ गए, अभी आराम से हमें रोड मिलेगा, मतलब कुछ भी, क्योंकि मैं सोच रहा था स्ट्रेच करूँ मगर इतना ट्रैफिक मिल रहा था ना पलसपा में, क्योंकि टाइमिंग अभी कैसा गलत हो गया ना, थोड़ा 1 घंटा पीछे चल रहे हैं हमको, तो वो 1 घंटा कवर अप करना पड़ेगा। बट अभी पुणे 104 किलोमीटर दिखा रहे हैं ऐसे, तो मैं सोच रहा हूँ अभी अगला स्टॉप बीच में किधर लेने से अच्छा सीधा पुणे में ही लेता हूँ, ताकि टाइम भी बच जाए और डिस्टेंस भी कवर हो जाए। तो नेक्स्ट स्टॉप जो रहेगा, मतलब नाश्ता अगर मैं करने का सोचूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं पुणे में ही करूँगा, बीच में मैं लोनावाला या फिर बीच में कहीं नहीं रुकने वाला हूँ, पुणे में ही डायरेक्ट देखता हूँ अभी। ये हमारा पहला टोल आ गया, जो पलसपा से निकलते जो टोल आता है, फर्स्ट टोल आ गया, अभी देखते हैं कितने टोल और आते हैं। मेरे हिसाब से और 2 आने चाहिए शायद, कन्फर्म नहीं हूँ, मैं ऐसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ वरना आप लोग को लगेगा मैं कन्फर्म बोल रहे हैं।
गर्मी फील होने लगी है, बट वो मेरे आँखों को नहीं हो रही क्योंकि मेरे आँखों पे मैंने स्मोक वाइजर लगा लियो सीधा। इसके लिए मैंने दिखाया कि ये स्पेशली आज के राइड के लिए लिया था मैंने ये वाइजर। मेरे को मतलब आप लोग को दिखा था, देखो आप लोग को ऐसा कुछ दिख रहा रहेगा, ये फिल्टर में आपको दिख रहा रहेगा जैसे मतलब मेरे को दिख रहा है क्योंकि मैं स्मोक वाइजर में चल रहा हूँ, बट हमारा जो सामने धूप है वो ऐसी है। अभी लोनावला तो हम लोग ने क्रॉस कर लिया, अभी शायद हम लोगों का यहाँ से कामशेद आएगा। हाँ कामशेद, और कामशेद का अभी तो रास्ता मतलब बोलते हैं ना, अभी ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस स्ट्रेट 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 डायरेक्ट पुणे तक स्ट्रेट जाना है। अभी किधर राइट लेफ्ट कुछ नहीं करना है, मतलब बोले सिटी में रह रहे के कितने टाइम बाद ऐसा खुला आसमान देखने मिल रहा है फुल, मतलब ऐसा लग रहा है क्या ही नया देख रहा हो। देखो तो बस सिटी में रह रहे के बस टावर बिल्डिंग इतना ही देखते थे हम लोग, अभी लग रहा है हाँ जा रहे भाई। यहाँ से अभी भी 30 किलोमीटर दिखा रहा है और ये पुणे का टोल आ गया हमारा। सो अभी हम लोग आपले पुण्यामध्ये आहे, मराठी आता है वैसा मेरे को। सो यहाँ से पुणे चालू हो गया हमारा। अरे यार क्या ट्रैफिक है ये, निकल जा निकल जा निकल जा, निकल गई। अरे बाप रे क्या जल्दी है इनको, और ये क्या गाड़ी है। अभी यहाँ से 129 किलोमीटर दिखा रहा है मैप्रो गार्डन, तो 129 आने की लगा लो 3 घंटे के आसपास अप्रॉक्स, पॉसिबल तो नहीं है वैसे इतना 3 घंटा, 2-2.5 घंटे ढाई तीन हाँ 2.5 घंटा लग जाएगा, सॉरी माय बैड। बट अभी रोड बहुत सुकून वाला रहेगा, इधर रश ये सब नहीं रहेगी, और इधर से मेरे को ज़रूरत है भाई मैप की क्योंकि इसके आगे मेरे को इतना खास रोड याद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अभी माई मैट अपना जो है सेट हो गया है, तो अभी टेंशन नहीं रहेगा। जैसे सोचा था मैंने कि मैप मतलब एक बार पुणे टच कर लूँगा तो फिर नाश्ता के लिए रुकता हूँ किधर, तो अभी वही सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ से खेड़ शिवापुर के आगे हम लोग लास्ट टाइम जब मैं गोवा जा रहा था ना तब हम लोग वहाँ पे इसमें रुके थे, तो वो होटल में ही रुको सोच रहा हूँ या फिर किसी दूसरे में देखो, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग रुके थे उधर डोसा अच्छा था, मतलब अच्छी जगह थी, तो वो इधर ही रुकने का सोच रहा हूँ। मोस्टली बस वो ही रूट में आए तब मैं उधर रुक पाऊँगा, अदरवाइज मैं तो स्ट्रेच मतलब जब तक बॉडी नहीं बोल रही ना कि भाई अभी रुक जा मेरे को भूख लगी है, वैसे बॉडी अभी से बोलना लग गई है मेरी। आवाज ना है ना है, पोलीस पकडतात ना त्यांनी सायलेंस। का जलवा देख रहे हो, वो एक सब्सक्राइबर निकली हमारी, बोलती है प्रजाओ देखती है बाइक देख के पहचान ली, बोलती है अच्छा लगता है जब बाइक कोई नोटिस कोई ऐसा अननोन में आपको मिलता है ना, मतलब सडन वो ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा था, देखा जाए तो 115 या 120 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है, वो भी नॉन स्टॉप, मतलब हम बहुत सही जा रहे हैं। बस हम लोग ने जो सोचा था कि 11 बजे तक, मैंने ऐसे सोचा था लिटरली कि मैं 11 से ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक महाबलेश्वर में टच रहूँगा, ये मेरा कैलकुलेशन था, अकॉर्डिंग टू हम 6 बजे निकलेंगे तब, और एज ऑलवेज कभी टाइम पे निकले नहीं, उसमें ट्रैफिक मिल रहा है, बट फिर भी हम डिस्टेंस अच्छा कवर कर रहे हैं।
keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin. Finally, Vittal Kamat mil gaya. फाइनली पहुंच गए विट्ठल कामत। अभी ज़ोर से भूख लगी है, अभी दबा के एक मस्त नाश्ता करता हूँ और मिलता हूँ आप लोग से। चलो भाई, आपको चार्ज पे लगाता हूँ। ना धूप है ना इतना मस्त लग रहा है फ्रेश होने के बाद। वो ज़्यादा धूप है अभी। नाश्ता करके तो हो गया, अभी बचा हुआ डिस्टेंस भी फट से कवर कर लेते हैं। अभी 80 किलोमीटर और बाकी है, अप्रॉक्स 1.5 घंटे, फटाफट ये भी कवर कर लेते हैं। अभी धूप ज़्यादा हो गई है यार। 80 किलोमीटर्स मोर, अभी चुपचाप अगर मैं 80 की स्पीड अगर कंटिन्यू लगा के रखता हूँ तो 1 घंटे में मैं पहुँच जाना चाहिए अगर 80 लगाता हूँ तो। ऐसा कैलकुलेशन बोलता है बट ऐसा होगा नहीं, मेरे को भी मालूम है। बट स्टिल हम हमारी ओर से तो पूरा ट्राई करेंगे कि अभी एक से डेढ़ घंटे में कवर कर ले, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता बता रहा है, वो ज़्यादा लेट हो जाएगा। फटाफट घर पर जैसे रूम पहुँचेंगे वैसे ही जाके फट से हम लोग चेंज करके एक्सप्लोर भी करना है महाबलेश्वर, तो टाइम चाहिए ब्रो। बोलते बोलते हम लोग भी पहुँचने आ गए। अभी बस यहाँ से 29 किलोमीटर दिखा रहा है, मगर 29 किलोमीटर के लिए 51 मिनट्स क्यों बता रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। मे बी रोड वैसा रहेगा ये, क्योंकि हाईवे टू हाईवे तो बहुत जल्दी कवर हो रहा था, बट अभी हम लोग अंदर आ गए तो मे बी इधर टाइम लगेगा, क्योंकि लोकल रोड है, ऊपर से सिंगल लेन है, तो मे बी इस वजह से इतना टाइम दिखा रहा है। बट 28 किलोमीटर्स मोर फॉर मैप्रो गार्डन। वॉट अ ब्यूटीफुल रोड यार, आज के टाइम में तो ऐसे रोड देखने भी नहीं मिलते, दोनों साइड से झाड़, ऊपर से पूरा ढका हुआ और बीच में रोड, नाइस। फुल गांव वाली वाइब आने लग गई अभी, मतलब लिटरली देखो ना कितना अलग लगता है ना, अपने घर से दूर कोई एकदम अनजान जगह पे आके रहने का, स्टे करने का, घूमने का, उधर ही एकदम नया एक्सपीरियंस आता है पूरा। हम मतलब देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता, ना किसी को जानता हूँ, ना एरिया जानता हूँ, ना कुछ, बस अपने और अपने बाइक के भरोसे पे निकला हूँ कि हाँ हम लोग निकले आएंगे, घूमेंगे, सब चिल करेंगे और फिर से रिटर्न जाएंगे। एक दिन के लिए एक अलग दुनिया जीते हम लोग, सही है। अब सभी लोग को तो पता ही होगा कि महाबलेश्वर जो है वो अपने मसाले यानी कि अपने स्पाइसेस और स्ट्रॉबेरीज के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पर हर जगह बस वही दिख रहा है। देखो हर जगह पर मसाला, स्पाइसेस, स्ट्रॉबेरीज, बस इतना ही दिख रहा है यहाँ पे। क्या घाट है गाइस, इतने टर्न्स है ना इसमें, ऊपर से सिंगल लेन।
keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession. गाड़ी हिटअप हो गई यार।